और अयोध्या में श्रीराम मंदिर के लिए एक महिला साधक 30 साल से तपस्या में लीन है। झारखंड की इस राम भक्त महिला ने मौन व्रत धारण कर रखा है। देखिए रिपोर्ट। कई ऐसे भक्त हैं जो मुख से नहीं मन से राम नाम भज रहे हैं, जिनका रोम रोम राम में है। इन्हीं में से झारखंड के धनबाद की रहने वाली ये हैं सरस्वती देवी, जिनकी हर सांस पर राम है। आज से नहीं बल्कि 30 सालों से भगवान राम की भक्ति में रमी हुई है। कलयुग में सरस्वती देवी की भक्ति की चर्चा पूरे कोयलांचल में है। धनबाद कर्माटांड की रहने वाली 85 वर्षीय सरस्वती देवी रामलला के मंदिर में विराजने को लेकर कठिन प्रण ठान ली थी। प्रण था कि जब तक रामलला मंदिर में विराजमान नहीं होते वो मौन रहेंगी। लगभग 30 साल से सरस्वती देवी मौन धारण की हुई है। 85 वर्षीय सरस्वती देवी की तपस्या 22 जनवरी को पूरी होने जा रही है। सरस्वती देवी ने अपनी वाणी भगवान राम को समर्पित कर दी। वो घर से अधिक तीर्थ स्थलों में ही रहती हैं। इस दौरान भी हमेशा मौन धारण किए हुए ही रहती हैं। मन कर्म और वचन सरस्वती के लिए सब राम है। और अयोध्या में श्रीराम मंदिर को लेकर उत्सव जैसा माहौल बनने लगा है। लोगों को लेजर शो के जरिए भी रामायण के प्रसंगों को दिखाया जा रहा है। अयोध्या जगमगा रही है, अपने भाग्य पर इठला रही है। अयोध्या के सूर्य कुंड में लेजर शो का आयोजन किया गया है, जिसमें भगवान श्री राम के अवतार की कथा प्रदर्शित की गई है। भगवान विष्णु के उस अवतार की, जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई। लेजर शो के जरिए भगवान रामचरित को बखूबी उकेरा गया। जन्मोत्सव, वनवास और अयोध्या लौटने तक के प्रसंगों को बखूबी प्रदर्शित किया गया। मां कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। भगवान श्री राम भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने अपने राम अवतार में अपने अखंड जीवन चरित और जीवन के मर्म को समझाया। सूर्यवंशी श्री राम की पूरी छवि लेजर शो के जरिए लोगों को दिखाई जा रही है। और अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या के पैर पखारने वाली सरयू नदी के किनारे, जहां 1008 यज्ञ शिविर बने हैं। यहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और संत यज्ञ करेंगे। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। सरयू नदी के किनारे हवन के लिए भव्य मंडप तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा 1008 यज्ञ शिविर बनाए गए हैं, जिसमें नेपाल और भारत के कोने कोने से आने वाले साधु संत रुद्राभिषेक करेंगे। इसके अलावा नेपाल से राम नाम का जाप करने वाले 21,000 जापक अयोध्या धाम आएंगे, जो 9 दिन लगातार राम नाम जाप करेंगे। 11 मंजिल के एक साला बना हुआ है, जिसमें 100 कुंड बनाया जा रहा है। 1100 जोड़े हवन करेंगे, जो वाल्मीकि रामायण से हवन होगी जी। 21 नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं, जो राम नाम करने के लिए आ रहे हैं, और अपने बिहार से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, कितने प्रांतों, सब प्रांतों से आ रहे हैं लोग। इसके अलावा साधु संतों और श्रद्धालुओं के रहने के लिए सरयू घाट पर टेंट सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में रविवार को राम भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। कई श्रद्धालुओं को 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। आम दिनों पर यहाँ पर कभी कतार लगी हुई नहीं दिखाई देती थी। श्रद्धालु यहाँ पहुँचते थे और सीधे आगे दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखाएं। यहाँ पर कई 100 मीटर लंबी कतार जो है वो लग गई है। हमारे सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं, राम मंदिर में जाने का जो प्रवेश द्वार है वो आगे है और उससे शुरू होती है कतार। आप देख सकते हैं कि कहां तक पहुंचती है। आप पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोग पंक्तियों में खड़े हुए दिखाई देंगे। कितनी देर से आप लोग लाइन में खड़े हैं ये बताइए। 1 घंटे हो गए। 1 घंटे में खड़े आप लोग। कितनी देर से आप लोग लाइन में खड़े हैं? 1 घंटे हो गया। 1 घंटा हो गया। कोई इस कतार की लंबाई दिखाना चाहेंगे, जो मुख्य प्रवेश द्वार है, वीआईपी गेट जिसे कहा जाता है, वहां से ये एंट्री शुरू हुई और जिस जगह तक आपकी नजर आगे तक जाएगी वहां तक आपको ये पंक्ति जो है वो दिखाई दे रही है। तो यहां पर अब श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगनी अयोध्या में शुरू हो गई है राम मंदिर के दर्शन करने के लिए।